बीबी के साथ बदलते भारत की शान। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून, आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे 14 जनवरी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा, कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर, और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर DD किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा में आज बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा बजट पर सरकार का पक्ष, कहा कोरोना महामारी के बावजूद आत्मनिर्भर बनेगा भारत, साथ ही कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को हुआ है लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन के संबोधन में कहा कि मनरेगा को ठीक से लागू करने में नाकाम रही कांग्रेस पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा का इस्तेमाल किया देश के लोगों की भलाई के लिए। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किया लॉन्च, किसानों को ईंधन की लागत पर सालाना लगभग 1,00,000 रुपए की होगी बचत, डीजल और पेट्रोल चालित वाहनों की तुलना में CNG वाहनों का औसत माइलेज भी है बेहतर। और विश्व रेडियो दिवस है आज, विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए रेडियो है बेहतरीन माध्यम। और खबरें विस्तार से, लोकसभा में बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन है, आज वित्त मंत्री ने बजट पर सरकार का पक्ष रखा और विरोधी दल के हर सवाल का पुरजोर तरीके से आंकड़ों के जरिए जवाब दिया। सदन में इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि PM किसान सम्मान योजना की शुरुआत होने के बाद से अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। On agriculture, for instance, there was this question, why did you reduce the budget from by about 10,000 crores? Are you not going to take care of Kisan? Sir, that is absolutely misread.
The data given in the budget on that account has been misread, and I'll tell you why. Because benefits worth 1.15 lakh crores have been transferred to the bank accounts of 10.75 crore farmers since the inception of this particular scheme of Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana. सदन में वित्त मंत्री ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों का भी सिलसिलेवार जवाब देते हुए उसे सवालों के खटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कारण पश्चिम बंगाल के 69 लाख किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए हैं। 65 लाख फार्मर्स फॉर होम वी मेड द प्रोविजन इन द बीई फॉर होम द मनी वॉज वेटिंग Because the list of 65 lakh did not come to us, we were not able to pay, and to that extent, the amount has to be said. We have not utilized it. That is not cutting down on the allocation. It is clearly saying a state for which we made the provision did not use it. And therefore, the reduction, sir, we are not hiding why the reduction, but it is important to highlight that a state shows. That its farmers should not be given the money which the Prime Minister is giving for all the country. So, shedding crocodile tears for farmers doesn't help. The money is lying there. निर्मला सीतारमण ने कहा कि मनरेगा को ठीक से लागू करने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही थी। मोदी सरकार ने मनरेगा का इस्तेमाल देश के लोगों की भलाई के लिए किया है। 2021, sir, the year of the pandemic. 61,500 because budget was presented in February, much before the corona crisis. But although we gave only 61,500 in the budget, as the year went, corona crisis, pandemic, lockdown, and then after the lockdown, migrant workers going back to their villages, we have increased that to 1,11,500 because that support has to be given in the villages. End of the year, it may well be that it will be utilized only to the extent of 90,000 crores, but still far higher than ever utilized under the MGNREGA. And therefore, this year, the current year's budget provision, the forthcoming year, we have given 73,000 crores and are fully willing that through the supplementary demand for grants, which happens at least two times, if not three times, We are going to give more and more if necessary so that migrant workers who have not returned to their jobs in the cities or anywhere else who choose to remain there can still be continued giving support. वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 2,11,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्राम सड़क योजना बनी है। पीएम सड़क योजना के तहत ग्रामीणों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। इससे गांवों से शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी है। Sir, length of the road. Don't worry, I'll answer you. I'll send you the clip. Have a look at it and then come back. PM Gram Sadak Yojana, sir, more than 2,11,000 kilometers of road have been built since 1415. And Gram Sadak Yojana don't go to the private gated communities of damads and crony capitalists. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में ई नाम योजना और किसान सम्मान निधि योजना से बड़े पैमाने पर किसानों ने पंजीकृत किया है जिससे किसानों को लाभ मिला है। सर, नंबर ऑफ फार्मर्स रजिस्टर्ड ऑन ई नाम 1,69,000 नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन द यूपीआई सर Number of farmers registered under PM Fasal Bima Yojana, 9 crores of people. From farmers, you take away their land for cheap, but we don't do that. We send 6,000 rupees to their account, direct benefit transfers. 9 crore farmers have benefited. They are no damas. Loans sanctioned under Mudra Yojana, sir, 27 crore. Mudra Yojana goes to people who are really running small businesses. So MSME or small businesses have all been absolutely taken care of by this government. So much before really anyone comes up with questions or false allegations. Of late,
false narratives are the ones which are being propagated, rather than coming to the house and talking in details about what is being offered in budget or any other program. वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने इसकी उन्नति के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं. Even during the lockdown, the announcements which were made clearly saying we are addressing the distress which the MSMEs will face in two different ways. One, by suspending some of the clauses of the IBC, we made sure no one from the MSME will be pulled to the courts or for resolution or for failure to pay their due debts and so on. And therefore, that was one way. That ensured nobody was going to be drawn to the courts or nobody is going to be declared insolvent. Similarly, we also kept extending dates of due payments or any kind of compliance that they have to do. So we extended the deadline till 31st March of this year on many scores so that they are not burdened with having to pay taxes, having to file their returns, or having even to plain compliance papers to be filed. So we've given them relief on the compliance side of things. Equally, we have given relief from the point of view of giving some money so that they can have working capital, additional working capital, extended term loans and so on without asking for any new additional security. और राज्यसभा में बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को समाप्त हो गया. सदन में इस दौरान 99% प्रोडक्टिविटी के साथ काम हुआ. बजट चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के साथ ही सदन की कार्यवाही 8 मार्च 2021 सुबह 9 बजे तक स्थगित हो गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना बनाने वाली गैस उपलब्ध कराई गई और 40 करोड़ किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों और गरीबों को और जरूरतमंदों को सीधे नकद राशि भी दी गई है. दिस गवर्नमेंट्स एफर्ट्स विद क्रेडिबल प्रूफ ऑफ हु द बेनिफिशियरीज आर, व्हिच आर द मेजर स्कीम्स एंड देयरफॉर व्हेन द बजटरी प्रोविजंस आर मेड, it is made for the poor, Dalits, tribals and the students who need desperately all the benefits. And therefore, if you want to speak out, Ujjwala Yojana benefited how many women? And we've extended it to 1 crore women for whom that Ujjwala will be delivered. Delivery and performance in terms of the last mile connectivity is where we have distinctly shown. और संसद के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की 141वीं जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सीएनजी से चलने वाला देश का पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया. ये ट्रैक्टर रामट टेक्नो सॉल्यूशन और टामा सेटो एकाइल इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है. यह किसानों को उनकी लागत घटाकर आय बढ़ाने में मदद करेगा. मंत्री ने कहा कि इस ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी. इस ट्रैक्टर की मदद से किसानों को हर साल उनके ईंधन खर्च में 1 लाख रुपए तक की बचत होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एयर पोल्यूशन में इसके कारण कमी आएगी. जो हमारा डीजल का ट्रैक्टर जितना पोल्यूशन करता है, इसकी पोल्यूशन कम से कम 15% रहेगा, लगभग वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जो बायो सीएनजी दे रहे हैं, ये बायो सीएनजी भी किसानों ने तैयार किया हुआ है. ये वेस्ट टू वेल्थ वाली फिलॉसफी है. और अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए किसान समाचार. क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा, देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो किसान समाचार में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज विश्व रेडियो दिवस है, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्व रेडियो दिवस की बधाई, सभी रेडियो श्रोताओं को शुभकामनाएं और उन सभी का आभार जो रेडियो को नवीन सामग्री से गुजार रखते हैं, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने का ये शानदार माध्यम है। मैं मन की बात के कारण खुद रेडियो के सकारात्मक प्रभाव का अनुभव करता हूं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। रेडियो का प्रसार बढ़ रहा है, लोग रेडियो सुनते हैं, खेत खलियान में, काम पर, चाय की टपरी पर टीवी नहीं दिख सकते। सोशल मीडिया एक मर्यादा के बाद टेलीफोन में पढ़ते रहना असंभव होता है। रेडियो सुनना ये एक अपनी विरासत भी है और रेडियो सुनना बहुत आनंद भी है। और अब जिस तरह से मोबाइल में ही रेडियो आ गया, तो पॉकेट में मोबाइल है, कान में तार है, स्पीकर है और सुनते रहो, तो ये अनुभव रेडियो का है। इसलिए रेडियो डे के उपलक्ष में मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और ओडिशा के पुरी के कलाकार शाश्वत रंजीत साहू ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर 3130 माचिस की तीलियों से पैनासोनिक स्टीरियो रेडियो के 1980 के मॉडल की मूर्ति बनाई। इस मूर्ति को बनाने में उन्हें 4 दिन का समय लगा। मैंने माचिस के तेली से रेडियो बनाया है। वर्ल्ड रेडियो डे उपलक्ष मैंने ये बनाया है। इसको बनाने के लिए मुझे 4 दिन का वक्त लगा। इसमें 3130 माचिस की तेली यूज हुआ है। वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर इसे मैंने बनाया है। पर ही अब रेडियो का चाहिदा इतना ना होने के बाद भी भारत में आज नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है। और रेडियो के माध्यम से किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं, उन्हें कैसे खेती के बारे में आधुनिक तकनीक बताई जा सकती है, इसका भी सामुदायिक जो रेडियो है उसका एक बड़ी भूमिका होती है कि किसान सीधे तरीके से उनका लाभ उठा सकते हैं। किसानों को कृषि संबंधी सूचना और नई तकनीक से जागरूक करना जरूरी, इसमें रेडियो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए सामुदायिक रेडियो की स्थापना की जाती है जगह जगह। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जल्द ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन आरंभ करेगा और इसमें आधुनिक खेती के बारे में किसानों को जागरूक करेगा। यह रेडियो स्टेशन मंडी के सुंदरनगर में स्थापित किया जाएगा, जिसका सीधे तौर पर फायदा किसानों को मिलेगा। जैविक खेती के बारे में बताया जाएगा। विश्वविद्यालय में पहली बार किसान गैलरी भी स्थापित की गई, जो कुछ आदर्श किसान हैं उनको भी वहां बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ जल्द ही सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से विश्वविद्यालय में
ई ऑफिस की स्थापना होगी, जहां पर किसान अपनी समस्याएं ले जाकर बता सकते हैं। समय की मांग है कि किसानों के लिए सामुदायिक रेडियो खोले जाए, ताकि वो घर बैठे खेती किसानी से जुड़ी सारी समस्याएं, सारी जानकारी उन तक पहुंच सके। सामुदायिक रेडियो से किसानों को आधुनिक खेती के बारे में बताया जाएगा कि जीरो बजट में वो अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं, कैसे लाभ कमा सकते हैं। किसानों को जीरो बजट फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी कि लागत कम, उत्पादन अधिक और उनकी कीमत भी उन्हें अच्छी मिले। रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करने की सलाह दी जाएगी, यानी कि जैविक खेती की तरफ उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, या घर की जो खाद है वो अपने खेती में प्रयोग करें। जैविक खाद के प्रयोग से खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। ये जो रेडियो की भूमिका है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। महिला किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और बहुत आसान तरीके से महिलाओं तक रेडियो के माध्यम से खेती की जो आधुनिक तकनीक है उसको पहुंचाया जा सकता है। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करे लौकी की खेती। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। इस समय किसान अपने खेतों में टनल बनाकर यानी सुरंग विधि से लौकी की बुआई कर सकते हैं। बुआई के बाद फसल को प्लास्टिक की शीट से ढक दे और फरवरी के महीने में जब तापमान बढ़ जाए तब इन प्लास्टिक की शीट्स को हटा दे। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए एक हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज ले। एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करे तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर पांचवें दिन सिंचाई करे। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए दो बार निराई गुड़ाई करे। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहे। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे ना सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। एक हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। और रंग बिरंगे फूलों से सजा मुगल गार्डन कोविड-19 के बाद आज से आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। मुगल गार्डन सोमवार को छोड़कर 13 फरवरी से 21 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए निःशुल्क खुलेगा। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही प्रवेश मिल पाएगा। राष्ट्रपति भवन स्थित विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन 13 फरवरी से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। मुगल गार्डन आम लोगों के लिए 13 फरवरी से 21 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल के मद्देनजर इस बार मुगल गार्डन देखने के लिए खास इंतजाम किए हैं। मुगल गार्डन करीब 15 एकड़ में फैला है और उद्यान उत्सव के दौरान लोगों को सैकड़ों किस्म के खूबसूरत फूल को करीब से देखने का मौका मिलता है। हम लोगों ने बड़ी कोशिश करके इस बार कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन्स खोले हैं। ये 13 फरवरी से 21 मार्च तक खुले रहेंगे।
सोमवार के दिन ये बंद रहेंगे मेंटेनेंस के लिए, बाकी सब दिन आम पब्लिक आराम से आकर के यहाँ पे देख सकती है। इस बार जो चेंजेस हैं उनमें एक महत्वपूर्ण चेंज ये है कि ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा ही लोगों को एंट्री मिलेगी। सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7 स्लॉट होंगे। एक स्लॉट में हम 100 लोगों को ही अनुमति देंगे जो कि एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं, देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इस बार मुगल गार्डन में 138 किस्म के गुलाब, 10 अलग अलग किस्म के ट्यूलिप, रेनन्क्यूलस, पैंजिम, डहेलिया सहित 70 किस्म के मौसमी फूल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस बार जो है कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद भी गार्डन हमारा बहुत सुंदर है। मेनली मुगल गार्डन में जो है इस बार जो है रोजेज हैं, काफ़ी ब्लूम में हैं, काफ़ी सुंदर हैं। जो हमारे पास इस समय 138 वैराइटीज जो है रोजेज की हैं, काफ़ी जो है खिले हुए हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है डहलियाज है, डहलियाज ब्लूम में है, और जो है स्टॉक जो कि मिथियोला इंकाना जो कि जापानीज सीड्स है, ये इसका सीड्स भी ऑर्डिनरली यहाँ बनता नहीं है, तो वहाँ से इम्पोर्ट किया हुआ है, तो ये काफ़ी खुशबू भी होती है इसमें। लगभग एक महीने तक चलने वाला ये उद्यान उत्सव सोमवार को छोड़कर 13 फरवरी से 21 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए निःशुल्क खुला रहेगा। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही, नमस्कार। अरे 529 जॉब, भाग दौड़, ऑल द टाइम जॉब।